किसान भाई यूट्यूब के मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अभी पूरे देश में लागू हो चुका है। इसकी तैयारी के क्रम में सभी जिलों में चयन समिति का गठन हो चुका है। सभी राज्यों में राज्य स्तरीय चयन समिति का गठन हो चुका है। कई जिलों में आवेदन पत्र भी आमंत्रित किए गए हैं और किसान भाई लोग आवेदन भी दे रहे हैं, परंतु ऐसा देखा जा रहा है कि प्रत्येक आवेदन के साथ जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का जो मार्गदर्शिका के अनुसार जो आवश्यक कागजातों की आवश्यकता होती है वो लोग नहीं लगा रहे हैं, केवल आवेदन पत्र दे रहे हैं या बहुत हुआ तो अपने पहचान के संबंध में जो कागजात है वो दे रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप लोग जान लें कि जो बड़े प्रोजेक्ट हैं खास करके उनके साथ, जैसे कि फीड मिल है या फिर कोल्ड स्टोरेज है या फिर आइस फैक्ट्री है या RAS है, बायोफ्लॉक है, इनके साथ कौन कौन से कागजात चाहिए। तो मैंने मार्गदर्शिका से निकाल करके एक उनकी सूची बना दी है, मैं पढ़ दे रहा हूँ इसको, आप वीडियो में भी देख सकते हैं। और कोशिश करें कि जो आप आवेदन दें उनके साथ ये सभी कागजात लगा दें जो कि DPR के रूप में रहेगा, डिटेल प्रोजेक्ट के रूप में। तो जो कागजात आवश्यक है वे हैं आवेदक का 3 वर्षों का मत्स्य पालन के क्षेत्र में अनुभव या उनकी पृष्ठभूमि का ब्यौरा और उनकी वित्तीय स्थिति का भी उसमें ब्यौरा रहना चाहिए। इसके अलावा परियोजना स्थल पर प्रस्तावित कार्य या उत्पादन की मांग तथा आपूर्ति का संक्षिप्त ब्यौरा, जो चीज़ आप उत्पादित करने जा रहे हैं स्थानीय स्तर पर उसका कितना डिमांड है और कितना सप्लाई हो रहा है, इसके बारे में एक आपको डिटेल देना होगा। इसके अलावा उस परियोजना में कौन कौन से कार्य होंगे, परियोजना के कार्यकलापों की सूची देनी होगी, परियोजना से होने वाला लाभ विशेषकर मछली उत्पादन में अथवा अन्य उत्पादन, यदि आप फीड तैयार करेंगे तो कितना फीड होगा, मछली उत्पादन करेंगे तो कितनी मछली होगी, इसके बारे में आपको देना होगा। फिर परियोजना के आय व्यय की गणना, विशेष करके जिसमें बैंक से ऋण लेना है तो ये आपको बताना पड़ेगा कि कितना उसमें व्यय होगा परियोजना में और परियोजना के बाद कितना लाभ होगा। इसके बाद आता है कि यदि पर्यावरण से संबंधित कार्य है तो पर्यावरण स्वच्छता लेना अथवा जैव सुरक्षा बायो सिक्योरिटी से संबंधित प्रमाण पत्र, ये आपको प्राप्त करना होगा। जमीन की उपलब्धता का प्रमाण, जैसे भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र या निबंधित लीज का कागजात या कार्य करने के लिए आवश्यक आदेश लाइसेंस यदि आवश्यक हो तो वो भी आपको संलग्न करना होगा। इसके अलावा परियोजना लागू करने में आवश्यक निधि फंड का ब्यौरा कि इस योजना में कुल जो राशि है उसमें केंद्र सरकार से कितना मिलेगा, राज्य सरकार से कितना प्राप्त होगा और आपके द्वारा अथवा बैंक से कितनी राशि की व्यवस्था होगी, ये आपको पूरा स्पष्ट रूप से देना पड़ेगा। इसके अलावा परियोजना के पूर्ण होने में लगने वाला समय टाइमलाइन एक बार चार्ट के रूप में आपको देना होगा, किस कार्य में कितना समय लगेगा। मान लीजिए 1 वर्ष में परियोजना पूरा होगा तो किस कार्य में कितना लगेगा समय, ये आपको बताना होगा। इसके बाद एक इस आशा का घोषणा पत्र देना होगा कि प्रस्तावित कार्य के लिए अन्य किसी योजना से राशि स्वीकृत नहीं की गई है अथवा कार्य का दोहरीकरण या डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है। इसके अलावा योजना का विधिवत रूप से तैयार विस्तृत योजना पर आकलन, जिसको एस्टीमेट बोलते हैं, यदि बिल्डिंग बन रहा है या कोई निर्माण कार्य है तो उसका एस्टीमेट तैयार कराना होगा जो भी स्थानीय दर है उसके आधार पर, और यदि ज़रूरत पड़े तो एक प्रेजेंटेशन आपको देना पड़ेगा NFDB के समक्ष जब सैंक्शन होगा फाइनली उसके संबंध में। तो ये सब कागजात है, यदि आप लोग सब मिल करके इन कागजातों को आप साथ में संलग्न करेंगे तो जो सैंक्शन करने वाले जो प्राधिकार हैं उनको आसानी होगी। मैं समझता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे लाइक कर लें। धन्यवाद।